नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर केमिस्ट्री में। दोस्तों आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ बोरॉन फैमिली के बारे में। पी ब्लॉक का ये अपना पहला टॉपिक रहेगा, ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 जिसको अपन बोलते हैं थर्ड ए, रोमन वर्ड वाला, ये भी हमें ध्यान रखना है दोस्तों। पी ब्लॉक का जो जनरल इंट्रोडक्शन था वो मैं डिस्कस कर लिया था लास्ट वाली जो क्लास थी उसके अंदर। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर जो आए हुए हैं उनके बारे में भी लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, आपको एंड तक जरूर देखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ बोरॉन परिवार के बारे में, ठीक है, बोरॉन फैमिली। अब मैं इन ग्रुप्स के बारे में डिटेल से डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, इंडिविजुअल ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। बोरॉन परिवार, अगर मैं बात करूं इसके वर्ग की, ग्रुप की, तो ग्रुप कौन सा है ये? 13 ग्रुप, जिसको अपन रोमन वर्ड में क्या लिखेंगे? थर्ड ई, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इस परिवार के तत्वों की बात करूं तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम और निहोरियम, NH, ठीक है दोस्तों। ये एक नया तत्व मैंने ऐड किया है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं बोरोन की तो दोस्तों ये नॉन मेटल्स होता है, याद रखना दोस्तों। क्या ये नॉन मेटल्स? आवर सारणी जो आपको मिलती है, जो एक चार्ट मिलता है उसमें इसको मेटलॉइड में लिख रखा है, लेकिन जानना दोस्तों बोरोन एक नॉन मेटल होता है, ये कंफर्म याद रखना आपको। इसके बाद में ये जो बची हुई हैं ये सारी की सारी क्या हैं? मेटल्स हैं। और इन मेटल्स में भी ये जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 113, जो कि अगर आपको याद हो तो डी ब्लॉक के अंदर यहाँ कोपरनिशियम आया था 112, जो एटॉमिक नंबर था उसका। और इसका जो वर्ग था दोस्तों वो था 12, याद रखना दोस्तों कौन सा 12 था, और यहां था 11 वर्ग, और जो कोपरनिशियम से जस्ट पीछे वाला एलिमेंट था आरजी होता है, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट बी था और ये सेकंड बी था, ये मैंने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था। ये जो निहोरियम है दोस्तों ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, क्या कहता हूँ? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। और जो इसकी सबसे स्थायी अवस्था होती है ना, सबसे स्थाई समस्थानिक, सॉरी समस्थानिक, सबसे स्थाई समस्थानिक, उस समस्थानिक की जो अर्ध आयु है, हाफ लाइफ है दोस्तों, वो अपने पास होती है 20 सेकंड, याद रखना 20 सेकंड इस निहोरियम के सबसे स्थाई समस्थानिक की हाफ लाइफ होती है दोस्तों, याद रखना। ऐसे ही दोस्तों इस एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है और जो गैलियम का जो ऑक्साइड होता है Ge2O3, ये दोनों के दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, क्या कहता हूं दोस्तों? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब उभयधर्मी, क्या हुआ? उभयधर्मी ऑक्साइड्स ये होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं इनके एटॉमिक नंबर की बात कर बता देता हूं, तो ये आता है 5 नंबर पर। अगर दोस्तों एटॉमिक नंबर के अंदर मैं ये कहूं, एटम नंबर के अंदर मैं ये कहूं कि इस 5 में 8 8 ऐड कर दीजिए तो ये 13 हो जाएगा। इस 13 के अंदर देखो 30 नंबर, इससे पहले की बात कर दोस्तों, इसमें 18 ऐड कर दूं तो आपके पास में अप्रोक्स ये आ जाएगा 31। और अपन जानते हैं कि इससे पहले जो एलिमेंट आएगा वो कौन सा था? जिंक था, जो कि किस नंबर पे था? 30 नंबर पे था, ठीक है दोस्तों। इसमें फिर आप 18 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8 और एक 9 और 49, और 48 पर अपने पास था दोस्तों जिंक, कैडमियम आता था। ऐसे ही दोस्तों इसमें फिर 32 ऐड कर दीजिए, कितना? 32। तो 32 ऐड करोगे तो 9 और 2 11 और 3 और 4 1 7 और 1 8 आ जाएगा। इसका मतलब यहां आएगा इससे पहले मरकरी, जो कि 80 नंबर पे था, क्लियर है। और ये आ गया कोपरनिशियम, अगर आप इसमें और 32 ऐड कर देंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 113 नंबर पर, जो कि नया एलिमेंट है। अभी इसकी पूरी डिटेल नहीं है, केवल अपने को ये ध्यान रखना है कि ये कौन से वर्ग का तत्व है और कौन से वर्ग में पाया जाता है, कौन से ब्लॉक का तत्व है, ये हमें ध्यान रखना है। आवर्त की बात करें दोस्तों तो इसके लिए आवर्त की वैल्यू होगी 7। कौन से आवर्त में होगा ये? 7th आवर्त में होगा। यहां तक समझ में आ गया क्या? ऐसे ही दोस्तों इस बोरोन परिवार में ध्यान रखना, इस बोरोन का एक तत्व होता है BF3, जो कि स्टेबल कंपाउंड होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन न्यून होता है ये, यानी इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लेविस एसिड की तरह काम करेगा, लेविस एसिड यानी लुईस अम्ल की तरह ये वर्क करता है दोस्तों। यहां तक बात समझ में आ गई क्या दोस्तों? अब देखिए दोस्तों इसी बोरोन परिवार के कुछ तत्वों के कंपाउंड्स की बात करते हैं, यौगिकों की बात करते हैं। इसमें पहला मैं यौगिक लेता हूं H3BO3,
इसको अपन बोलते हैं दोस्तों ऑर्थो बोरिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? ऑर्थो बोरिक एसिड कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों Na3, सॉरी बोरेक्स, Na2 Na2 B4O7 10H2, इसको अपन बोलते हैं दोस्तों बोरेक्स। क्या बोलते हैं इसको? बोरेक्स बोलते हैं। लेकिन अगर यही बोरेक्स का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता, Na2 B4O7 4H2, याद रहे दोस्तों, यहाँ 10H2 लिया मैंने और यहाँ लिया मैंने 4H2, तो इस कंडीशन में इसको कार्नाइट बोलते हैं दोस्तों, कार्नाइट। क्या बोलते हैं इसको? कार्नाइट, याद रखना आपको। क्या हुआ? Na2 B4O7 4H2O। इसके साथ साथ दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि इस बोरोन के दो आइसोटॉप्स होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है बोरोन 10 जो कि 19% पाया जाता है, और एक होता है बोरोन 11 जो कि 81% हमें मिलता है दोस्तों। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अब मैं चलता हूं आगे एल्यूमिनियम की ओर। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का मैंने ऑक्साइड बता दिया कि ये एम्फोटेरिक का नेचर का होता है। कौन से नेचर का? एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। इसके जो कंपाउंड दोस्तों, उसके मैं बात करूं तो Al2O3 2H2O, इसको अपन बॉक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉक्साइड। ऐसे दोस्तों एक होता है Na3AlF6, इसको अपन बोलते हैं दोस्तों क्रायोलाइट। क्या कहते हैं? क्रायोलाइट। ध्यान ना, एक था कार्नाइट Na2 B4O7 4H2O, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? कार्नाइट। इसको क्या अपन क्या बोल रहे हैं? क्रायोलाइट, याद रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमें ऑब्जेक्टिव के अंदर दे सकते हैं और पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा क्रायोलाइट का फॉर्मूला होगा, तो चार को इसे मिला के दे सकते हैं अपने को ये एग्जाम के अंदर। यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो बता सकते हैं। आपको अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक के लिए कोई भी आपको मनाही नहीं है, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपन इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें सबसे पहले मैं ले लेता हूं एटॉमिक रेडियाई को, यानी परमाणु त्रिज्या को, एटॉमिक रेडियाई के बारे में। तो दोस्तों यहां थोड़ा सा चेंजेस आता है एटॉमिक रेडियाई के अंदर। बोरोन, फिर गैलियम, बोरोन, थोड़ा सा रफ कर देता हूं एक बार में, बोरोन गैलियम, फिर आता है अपने पास एल्यूमिनियम, फिर अपने पास आता है इंडियम, और फिर आता है थेलियम। यानी डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है अपन जानते हैं, लेकिन यहां पर वेरिएशन आ रहा है दोस्तों। यहाँ गैलियम की एटॉमिक रेडियाई एल्यूमिनियम से छोटी है, और इसका रीजन है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर इससे पहले डी ब्लॉक के तत्व आते हैं, और डी ब्लॉक में दोस्तों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट होता है शील्डिंग इफेक्ट पर, यानी परिरक्षण प्रभाव पर प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश परिरक्षण प्रभाव पर ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, बाहरी ठोस के जो इलेक्ट्रॉन है, वो ज्यादा परिरक्षित नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि एल्यूमिनियम की साइज गैलियम के कंपेयर में बड़ी होती है। तो ये हमें ऑर्डर याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट अपने पास आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी आयनन विभव का ऑर्डर, आयनन विभव का ऑर्डर। यहां से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि काफी कंफ्यूजेबल है और ऑर्डर में काफी वेरिएशंस आता है। तो यहां कुछ इस तरह से बोरोन, फिर थेलियम, सॉरी बोरन थेलियम, बोरोन थेलियम इंडियम गैलियम, सॉरी 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 सॉरी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर है, ये नहीं होगा ना। आयनेशन एंथैल्पी का ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा दोस्तों, बोरोन, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होती है? डाउन द ग्रुप ये क्या होती है? डिक्रीज होने लगती है। आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है? डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थेलियम और इंडियम, यहां थोड़ा सा आपको वेरिएशन मिल रहा है ये वाला, और इसका रीजन है दोस्तों लेंथेनर्ड कॉन्ट्रेक्शन। क्या कह रहा हूं? लेंथेनर्ड कॉन्ट्रेक्शन की वजह से एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और थोरियम दोस्तों याद करो, ये जो लैंथेनर्ड्स हैं सेरेनियम से लेकर के ल्यूटेशियम 71 तक के, इसके बाद में अपने पास आ जाता है डी ब्लॉक के तत्व, और फिर उसी वजह से लैंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही इनकी एटॉमिक रेडियाई छोटी हो जाती है और आयनेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है दोस्तों। ये हमें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, इसके नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में। अगर मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में डिस्कस करूं तो ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा, बोरोन, हेलियम, इंडियन,
गैलियम और एल्यूमिनियम, ये ऑर्डर अपने पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का होगा। ऐसा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ध्यान रखना। और तो आप चाहो तो मैं इसकी वैल्यू लिखता हूं, मैंने एनसीईआरटी से लिखा है 2.1, 1.8, 1.7, 1.6 और 1.5, ये इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यूज है दोस्तों। इसके बाद में डिस्कस करता हूं दोस्तों डेंसिटी के बारे में। जो डेंसिटी होगी वो कुछ इस तरह से होगी, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। डेंसिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा ऑर्डर है। और डाउन द ग्रुप, डेंसिटी बढ़ती है दोस्तों। डाउन द ग्रुप यानी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। यहां तक समझ में आ गया। अब मैं डिस्कस कर लेता हूं दोस्तों एक ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। मैं एनसीआर जो सिलेबस है दोस्तों अपना आरपीएससी का, उसी हिसाब से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट +3 और +1 दोनों तरह की ऑक्सीजन स्टेट ये बोरोन परिवार के तत्व शो करते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं बोरोन +3 की, एल्यूमिनियम +3 की, गैलियम +3 की, इंडियम +3 की और थैलियम +3 की, टीएल, तो दोस्तों +3 के अंदर कुछ ऑर्डर इनका इस तरह से रहता है इन कैटाइन्स का, ठीक है। लेकिन दोस्तों डाउन द ग्रुप ध्यान रखना, डाउन द ग्रुप अगर अपन चलते हैं ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में, तो +1 ऑक्सीजन स्टेट +3 से ज्यादा होती है स्टेबल। क्या कह रहा हूं, +3 ऑक्सीजन स्टेट +1 ऑक्सीजन स्टेट +3 से ज्यादा स्टेबल होती है। और दूसरा दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि ये मोर आयनिक भी होती है, यानी इसमें ज्यादा आयनिक करेक्टर भी होते हैं, क्योंकि डाउन द ग्रुप धात्विक गुण बढ़ते हैं। अब याद रखना दोस्तों कि जो +1 ऑक्सीजन स्टेट है वो +3 से ज्यादा स्टेबल क्यों है, तो आप जानते हैं इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2NP1 होता है, अपन जानते हैं। तो ये जो कहते हैं, ये जो बोरोन परिवार के एलिमेंट के लिए कहते हैं कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, ये दो वाले, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इनर्ट होते हैं, और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में मिलते हैं, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या कह रहे हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये NP1 वाले, वो इजीली क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन ही निकल पाता है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करने की वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, यानी ये इनर्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए यहां पर इंडियम +1, थेलियम +1, और याद रखना दोस्तों यहां पर थेलियम +1, इंडियम +1, गैलियम +1, एल्यूमिनियम +1, +1 +1 और बोरोन +1, ये इनकी +1 ऑक्सीजन स्टेट का स्टेबल यानी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा दोस्तों। यहां तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो बता सकता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एल्यूमिनियम की बात करें और बोरोन की बात करें, तो बोरोन का एक कॉम्प्लेक्स बनता है दोस्तों कुछ इस तरह से, और ये कॉम्प्लेक्स sp3 हाइब्रिड स्टेट में होता है। ऐसे ही अगर मैं एल्यूमिनियम की मैं बात करता हूं, तो हाइड्रेटेड कंपाउंड यानी जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, टेट्रा एक्वा सॉरी हेक्सा एक्वा एल्यूमिनेट थर्ड कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। तो इसमें जो हाइब्रिडेशन होता है दोस्तों वो sp3d2 हाइब्रिडेशन होता है, याद रखना। ये क्वेश्चन अपने को डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके लिए मैं डिस्कस किए हैं। अब मैं डिस्कस करता हूं दोस्तों पिछले ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए, उनके बारे में डिस्कस करता हूँ दोस्तों। दोस्तों यहां मैं डिस्कस कर रहा हूँ सबसे पहले इस प्रोसेस के बारे में जिसमें इसने हाबर लिख रखा है, ये एक्चुअल में हेबर प्रोसेस है दोस्तों। शायद हो सकता है दोस्तों मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये क्वेश्चंस लगभग पेपर्स में जो मैंने आरपीसी के निकाल रखे हैं वो लगभग सिमिलर जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो हेबर प्रोसेस होती है N2+3H2=2NH3, और इस प्रोसेस के अंदर जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है, जो उत्प्रेरक यूज किया जाता है, वो होता है मोलिब्लेडन सॉरी आयरन, Fe आयरन। और ये उत्प्रेरक की कैटलिस्ट कैटलाइटिक प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए मोलिब्डेनम यूज किया जाता है। तो यहां मोलिब्डेनम वर्धक की तरह काम करता है और आयरन एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है दोस्तों। तो याद रहने का, इसने वर्धक पूछा है तो मोलिब्डेनम यहां इसका वर्धक की तरह काम करेगा। दूसरा क्वेश्चन है अष्टफलकीय संकुल है दे रखा है, यहाँ Br2 और यहाँ Cl दे रखा है, कौन सी समावयवता दर्शाएगा दोस्तों। तो दोस्तों एक बात खुद सोचिए कि मैं इसको अगर मैं आयनाइज कर दूंगा, यहां से अगर आयनाइज कर दूंगा दोस्तों, अच्छा एक समझ के चलना है कि केवल ज्यामिति बता रहा है, ज्यामिति और आयनन बता रहा है, और केवल प्रकाशिकी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एक तो ध्यान रखना दोस्तों ये आयनाइज हो सकता है कुछ इस तरह से। मैं इस कॉम्प्लेक्स को एक बार ले लेता हूँ, NH3 होल 4
Br2 कॉम्प्लेक्स। एक तो अगर आप इसको चाहें तो आयनाइज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ये लीजिए दोस्तों Cl माइनस प्लस ये प्लस हो गया। तो एक तो आयनाइजेशन आइसोमरेज में शो कर सकता है दोस्तों अपने लिए, तो एक तो आयनाइन हो गया और दूसरा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये कंडीशन होती है Ma4 B2, Ma3 B3, Ma4 BC, Ma3 BCD, Ma2 B2CT। ये जो मैं बता रहा हूं दोस्तों टाइप्स, ये याद रखना दोस्तों, ये कोऑर्डिनेशन ये ज्यामिति आवेश आइसोमेरिज में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के वो कॉम्प्लेक्स हैं जो कि Ma2 BCDE, ये वो कॉम्प्लेक्स हैं जो कि आइसोमेरिज में कौन सी ज्यामितीय आइसोमेरिज में शो करते हैं दोस्तों, याद रखना। ये मैंने वो कॉम्प्लेक्स लिख दिए हैं, ये वो सारे कॉम्प्लेक्स हैं जो कि ये ज्यामिति समानता दर्शाते हैं जब कंडीशन नंबर 6 होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3rd अपना करेक्ट होगा दोस्तों। फिर पूछ रहा है वह कौन सा तत्व जो एक्टिनोइड नहीं है। याद करो अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने ये क्लास ली है कि यहाँ पर एक्टिनम, एक्टिनम, थोरियम, यूरेनियम ईयू, सॉरी यू, और नेप्टूनियम एनपी। तो दोस्तों एक्टिनम डी ब्लॉक का तत्व है, एक्टिनोइड नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पहला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों कौन सा संकुल अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाएगा, यानी जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाएगा। और दोस्तों यहाँ ये कॉम्प्लेक्स है CoF6-3 वाला, इसमें इसका हाइब्रिडेशन है दोस्तों sp3d2, और इसके अगर मैं बात करूं कोबाल्ट की तो +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, और कोबाल्ट 3d7 4s2 होता है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए 6 बच गए। अब यहाँ आप ये भी देख लीजिए कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाएगा, और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट 4.90 आ जाएगा, और ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कलर्ड होगा और आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। ये सारी की सारी डिटेल मैंने बता दी है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है कि मेरे पास ग्लूकोज है और ग्लूकोज की दो फॉर्म होती है, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी ग्लूकोज। दोस्तों जब इनका जली विलयन बनाया जाता है तो इसका इनिशियल स्टार्टिंग में जब जली विलयन बनता है तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन, ये जो विशिष्ट घूर्णन है वो 112 हो जाता है। ऐसे ही बीटा डी ग्लूकोज का जब जली विलयन बनाया जाता है तो ये +19 डिग्री का होता है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा समय निकलता है तो ये आकर के 52.7 डिग्री पर आकर के रुक जाता है दोस्तों। तो ये चीज ध्यान रखना है दोस्तों, इस ग्लूकोज का जनरली होता है 52.7 डिग्री, लेकिन इनका एक्वस सॉल्यूशन जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज है वो 112 डिग्री होता है और बीटा डी 19 डिग्री का होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चले, अधोलिखित अमोनिक अम्लों में अनिवार्य नहीं है, तो इसका याद रखना दोस्तों, मैंने ट्रिक बताई कि ये इसेंशियल यानी जो हमें रिक्वायर्ड एमिनो एसिड है टीवी मिल पाथ है। अगर आपको ये सारे के सारे ट्रिक चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि हमें एमिनो एसिड्स की ट्रिक चाहिए जिसमें आपको एसिडिक वाला, बेसिक वाला, न्यूट्रल एमिनो एसिड वाला, इसेंशियल अमीनो एसिड कैसे याद करने, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कैसे याद करने, इन सब की मैंने ट्रिक बना रखी है और वो वीडियो मैंने डाल रखे हैं। अगर आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, तो इसमें कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, वेलिन, टायरोसिन नहीं है दोस्तों, ये वाला बी ऑप्शन यहाँ नहीं है पूछा है, तो बी ऑप्शन अपना हो जाएगा। फिर पूछ रहा है प्रोटीन को जब सांद्र H3 के साथ में गर्म किया जाता है तो पीला रंग बनता है, तो दोस्तों ये जैंथो प्रोटीन की वजह से बनता है। किसके बनने की वजह से, जैंथो प्रोटीन की वजह से। ये आपने 12th क्लास के प्रैक्टिकल में जब आपने किया होगा प्रोटीन का टेस्ट तब किया होगा कार्बोहाइड्रेट के अंदर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, ग्लूकोज और मैनोज ये एक दूसरे क्या होते हैं दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों ये एक दूसरे क्या होते हैं, एपिमर होते हैं। क्या होते हैं, एपीमर। एनोमर दोस्तों अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की, जिस कार्बन की वजह से इसको अल्फा और बीटा में डिफ्रेंशिएट किया जाता है उस कार्बन को अपन बोलते हैं एनोमर कार्बन। क्या कहते हैं दोस्तों, एनोमर कार्बन। और ये जो अल्फा और बीटा फॉर्म होती है ग्लूकोज की, अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज की जो फॉर्म होती है ये आपस में एक दूसरे के एनोमेरिक कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एनोमेरिक कंपाउंड कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है चलिए आगे चलते हैं,
सॉरी एनोमर्स है दोस्तों, एनोमर्स, और जो कार्बन होता है उसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, हाँ एनोमेरिक कार्बन, ठीक है दोस्तों। और ये कार्बन काइरल कार्बन होता है दोस्तों, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है ये किरेल कार्बन होता है। ऐसे ही नेक्स्ट बात कर रहा है कि जब ग्लूकोज को किस समूह के साथ में निम्न में से अभिकर्मक से अभिक्रिया करके ग्लूकोज कार्बन समूह की पुष्टि करता है, यानी CHO ग्रुप, ग्लूकोज के CHO ग्रुप की पुष्टि कौन सा टेस्ट करता है दोस्तों। तो याद रखना यहां पर HI तो कंप्लीट रिडक्शन देकर के एन हेक्सेन देता है, HI से तो क्या मिलता था अपने पास, एन हेक्सेन मिल जाता था। एसिडिक एनहाइड्रेट से ये पेंटा एसिटेट देता था, ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट देता था, और इसमें केवल घुलता है, और तो मैं ये कह सकता हूं केवल हाइड्रोक्सिल अमीन है जो कि इस ग्लूकोज के CHO ग्रुप से रिएक्ट करता था दोस्तों, यहां से वाटर निकल जाता और ये इसका ऑक्सिम बना लेता। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी हाइड्रोक्सिल अमीन यहाँ इस NH2 ग्रुप की CHO ग्रुप की पुष्टि करता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह पीएच जिस पर प्रोटीन अणु पर कुल परिणामी आवेश नहीं रहता उसको अपन बोलते हैं दोस्तों आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल बोलते हैं, सॉरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल, जिसको सम विभव बिंदु बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल, आइसो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं शायद इसको, सम विभव बिंदु कहते हैं दोस्तों इसको, कौन सा सम विभव बिंदु कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, अधोलिखित प्रोटीन है, प्रोटीन दोस्तों दो तरह की मिलेगी अपने को, एक तो मिलती है ग्लोबुलर, ग्लोबुलर प्रोटीन, और दूसरी मिलती है अपने पास फाइबर प्रोटीन, कौन सी फाइबर प्रोटीन। फाइबर प्रोटीन अपने नाखूनों में पाई जाती है, यानी किरेटीन जिसका एग्जाम्पल है किरेटीन, एक मायोसिन, एक ये मायोसिन मसल्स में प्रेजेंट होती है दोस्तों, एक होती है जो वूल होती है ना कॉटन, उसमें भी ये क्रिएटिन ही पाई जाती है। इसके अलावा अगर मैं ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करूं तो एक में पाए जाने वाला एक तो एल्बुमिन जो कि व्हाइट होता है एल्बुमिन, ठीक है, और दूसरा अपने ब्लड में पाए जाने वाला इंसुलिन, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी ग्लोबल प्रोटीन वाटर सोल्यूबल होती है, फाइबर प्रोटीन वाटर इनसोल्यूबल यानी पानी में घुलने वाली नहीं होती है, जबकि एल्बुमिन और इंसुलिन पानी में घुलनशील है। तो ये पूछ रहा है कि ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल कौन सा है, गोलिका, ये गोलिका माया प्रोटीन का एग्जाम्पल कौन सा है। तो देखो एक तो इंसुलिन है दोस्तों, इंसुलिन है और एक एल्बुमिन है, यानी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड यहां करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहा है न्यूक्लिक अम्लों के संबंध में असत्य कथन बताना है दोस्तों। तो देखो क्या कह रहा है, न्यूक्लिक अम्ल एक पंच सदस्यीय वलय श्रृंखला की श्रृंखला होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये वलय श्रृंखला एक फॉस्फेट समूह से जुड़ी हुई होती है, बिल्कुल, इसको न्यूक्लियोटाइड बोलते थे, याद करो दोस्तों न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जो बेस होते हैं, जो बेस राइबो सुगर से जुड़ते हैं, और भले वो राइबो सुगर डीऑक्सी भी हो सकती है और राइबोज भी हो सकती है, डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबो सुगर पाई जाती है और आरएनए के अंदर राइबो सुगर पाई जाती है दोस्तों, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 ये ग्रुप जुड़ते हैं, और इन दोनों को, इन तीनों को मिलाकर के बोलते हैं दोस्तों न्यूक्लियोटाइड, और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, क्या बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब देखिए दोस्तों बेस भी याद रखना है, यहाँ बेस भी दो तरह के होते हैं, एक पिरिमिडीन बेस, पिरिमिडीन जिनको याद कर सकते हो CUTC, साइटोसिन यूरेसिल और थाइमिन से, और एक होता है प्यूरीन बेस जिसको याद कर सकते हो एडिनिन और ग्वानिन के नाम से। तो यहाँ पूछ रहा है दोस्तों आरएनए में पांच सदस्यीय वलय श्रृंखला राइबोज पाए जाते हैं, बिल्कुल, डीएनए में पांच क्षारक होते हैं, ये गलत बात है दोस्तों, क्षारक चार चार ही होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखो साइटोसिन थाइमिन एडिनिन और ग्वानिन, आरएनए के अंदर क्या क्या होते हैं, आरएनए के अंदर साइटोसिन यूरेसिल एडिनिन और ग्वानिन, और इन दोनों में डिफरेंस ये होता है दोस्तों कि आरएनए के अंदर यूरेसिल पाया जाता है और डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है थाइमिन पाया जाता है। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट। अच्छा एक और रह गया, एक और रह गया, इसको भी सब खत्म करते हैं अपन। यहाँ कह रहा है कि जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड को क्रिया एफिशिएंट के साथ करवाई जाती है तो नीला रंग प्राप्त होता है, तो इसको प्रूसियन ब्लू बोलते हैं दोस्तों, याद रखना प्रूसियन ब्लू कलर बोलते हैं इसको, ये जो नीला दिख रहा है ना प्रूसियन ब्लू बोलते हैं, और दोस्तों ये बनता है Fe4FeCN6O3 के फॉर्मेशन की वजह से। और आपको बता दूं दोस्तों ये कैटाइन के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, आपने पढ़ा होगा रेडिकल एनालिसिस के अंदर एनायनिक और कैटाइनिक, तो कैटाइनिक टेस्ट होता है, कैटाइनिक में ग्रुप
के एलिमेंट है दोस्तों, कौन सा ग्रुप थर्ड के कैटाइन है, और उसमें एल्यूमिनियम प्लस थ्री भी होता है और एक Fe प्लस थ्री होता है। तो Fe प्लस थ्री के टेस्ट के लिए अपन इस पोटेशियम फेरोसाइनाइड का यूज करते हैं। तो दोस्तों Fe4 FeCN होल सिक्स होल थ्राइस ये वाला प्रूसियन ब्लू कंपाउंड बनता है, जिसके कारण इसका सॉल्यूशन का कलर नीला दिखाई देता है। फिर कह रहा है अधोलिखित लेंथनर में कौन सी भली भांति प्लस फोर ऑक्सीजन स्टेट, देखो ये कुछ ही दिन पहले मैंने करवाई है दोस्तों, जो कि एक अच्छा विश्लेषक अभिकर्मक होता है। तो याद रहना दोस्तों सेरेनियम प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कौन सा सेरेनियम प्लस फोर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएनए एवं डीएनए कीरेल अणु है, इनमें कीरेलता किसकी वजह से होती है, अभी मैंने बताया इसमें डी शर्करा अवयव की उपस्थिति की वजह से ये क्या करता है कीरेलता दर्शाता है। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। दोस्तों बायो मोलिक्यूल का मैंने कुछ पोर्शन करवा दिया है, एल्कोहल मैंने करवा रहे हैं खा है, कार्बोनिल कंपाउंड मैंने करवा रखा है, एल्डिहाइड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी मैंने करवा रखा है, डाई एजोनियम सॉल्ट भी मैंने करवा रखा है, नेम रिएक्शन भी मैंने करवा रखी है। जिस भी भाई को जिस भी दोस्त को ये मैटर चाहिए ये प्लेलिस्ट चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको इंडिविजुअली वो शेयर कर दूंगा। दोस्तों आई होप ये क्लासेस आपके लिए काफी बेहद तरीके से यूजफुल रही होंगी और होंगी दोस्तों फ्यूचर में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे बोरोन परिवार की जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद, जय जय भारत।